नमस्कार, आप देख रहे हैं बीआरजी न्यूज। वडोदरा की महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी की सोशल वर्क फैकल्टी पर दिव्यांग महिला के अधिकारों के लिए राष्ट्रीय परिसंवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। फैकल्टी ऑफ सोशल वर्क के आईजी पटेल सेमिनार हॉल में एक दिवसीय राष्ट्रीय परिसंवाद का आयोजन हुआ था। दरअसल भारत में विकलांग महिलाओं के अधिकारों को समझाने के लिए राष्ट्रीय परिसंवाद सेमिनार स्वरूप आयोजित किया गया था, जिसमें जरूरी हर मुद्दे पर चर्चाएं की गई। आपको बता दें कि 13 जितने विभिन्न विषयों के एक्सपर्ट्स की ओर से इस सेमिनार के तहत पेपर प्रेजेंटेशन दिया गया। इस सेमिनार की शुरुआत यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर प्रोफेसर विजय कुमार श्रीवास्तव, अति दिव्यांग संशोधन केंद्र के संयोजक नीता पंचाल, राष्ट्रीय स्वर्ण पदक विजेता पैरा स्विमर गरिमा व्यास और डॉक्टर मधुरा नाग चौधरी समेत के पदाधिकारियों के हाथों दीप प्रागट्य कर करवाई गई थी। आज फैकल्टी ऑफ सोशल वर्क महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ोडा में नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ना संयोजन थी एक राष्ट्रीय परिसंवाद नो आयोजन करवामां आव्युं छे, जेनो थीम छे राइट्स ऑफ डिफरंटली एबल्ड वुमन। एटले जे स्त्रीओ बहनों विकलांगो छे अने एमने पासे अलग जातनी क्षमताओ छे, एमना अधिकार विषेनी आपनो आ परिसंवाद छे। आ परिसंवादनो उद्घाटन आजरोज डॉक्टर आईजी पटेल सेमिनार हॉलमां माननीय वाइस चांसलर प्रोफेसर वी के श्रीवास्तवाए कर्यु, अने इनॉग्रल सेशनना मुख्य वक्ता नीताबेन पंचाल, जे पोते अर्थक्वेक गुजरात अर्थक्वेकमां भूकंप वक्ते पेराप्लेजिक थई गया हता અને વિકલાંગોના અધિકારો માટે તે લડત આપી રહ્યા છે અને કામ કરી રહ્યા છે તેમણે આપ્યું હતું। આ સાથે મહારાજા સયાજીરાવ યુનિવર્સિટી ઓફ બરોડાની વિદ્યાર્થીની જે પોતે હમણાં પેરા સ્વિમિંગની અંદર ગોલ્ડ મેડલ લઈને આવી એને એ બંનેનું બહુમાન કરવામાં આવ્યું હતું, અને ગરિમા વ્યાસે વિદ્યાર્થીનીએ પોતાના મંતવ્યો અને અનુભવો પણ શ્રોતાઓ સાથે શેર કર્યા। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। बीआरजी न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही बीआरजी न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।